Let's see. Midline. Assalamu alaikum everyone, welcome to brand new Pakistan to vlog. पेन टू पाकिस्तान का व्लॉग. सो आज हम लग रेडी होने लगे हैं जी व्लॉग, जो हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान आफ्टर अ 12 ईयर लेटर. थोड़ा एक्साइटमेंट में हूँ, तो अभी हम लोग थोड़ी तैयारी शारी करेंगे, थोड़ा सा दिखाता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से आगे जाके मुलाकात होती है. तो दुआ करना कि हम खरी खरीदी घर पहुंच जाए. ये देख लो कचरा नहीं यार, मेरा रोजी रोटी है ये सारी. ये देख लो मेरे माइक वगैरह सब कुछ, लैपटॉप आईपैड नहीं, लैपटॉप तो नहीं है आईपैड है, इसमें मैंने डाल दी है. ये अभी लेजेंड साहब मुंडे के साथ लगाएंगे, समझ रहे हो. तो ये है, उसके बाद ये एक मेरा बैग है, बाकी ये भी बैग हैं, ये बाद में अभी लेके जाएंगे हम लोग. ये मेरा, ये बड़ा बैग मेरा है, और ये भाई का पीछे वाला, ये एक्स्ट्रा. बेटा इधर देखो, सुफियान चाचू जा रहे हैं आज, चाचू को बाय बाय करो, बाय बाय, हाय करो सबको, हाय बाय. उतर रोएंगे दो महीने, चाची ने को नहीं होना थे, फिर करी बाय. अच्छा रुको, प्यार दो, चलो चाचू को प्यार दो, बेटा प्यार दो चाचू, एक और दो, एक और दो. चाचू की तरह चाचू जा रहे हैं ना आज पाकिस्तान जा रहे हैं. हाँ पाकिस्तान जा रहा हूँ, अब दो साल तो मैं नजर नहीं, दो महीने नजर नहीं आऊंगा. चलो एक आखिरी किस दे दो, चलो किस करो मुझे मुझे, चलो मिलते हैं फिर. ओके आगे जाके मिलते हैं. चाचू चाचू क्यूट लग रहे हैं, सोना लग रहे हैं चाचू, सोना लग रहे हैं चाचू, बाय. बाकी इधर आओ, इधर आओ, चलो साइड पर, चाचू को प्यार दो, प्यार दो, मेरा चीज प्यार दे दूँ. चलो बस बस बस. बस 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 बस. तू दुई गड्डी आउंदी है फिर आना है, चल सही है. एक और सेट नहीं है? नहीं नहीं बस बस बस, स्कूल भी तो समान होना है यार. इस टाइम फुल रेडी हो चुके हैं, मेरी खुशी देख रहे हो चेहरे पे. आफ्टर 12 साल बाद हम लोग जा रहे हैं घर, सामान सामान बाहर रख लिया है. एक गाड़ी चली गई आपने देखी होगी, अब ये दूसरी गाड़ी में सामान रखना है, वो पीछे लेके आ रहे हैं. तो खुशी फूलों के समाई नहीं जाती, कैसे कहते हैं, बस दुआ करना अल्लाह करे खैर खरीदी पहुंचे. मैं ज्यादा चिट्टा लग रहा हूँ, असल में ना वो क्या कहते हैं खुशी में ना वो चेहरा मुझे आ गया, तो इस वजह से ज्यादा क्यूट लग रहा हूँ. तो आई थिंक हमारी गाड़ी आ गई है, तो इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं. लव यू एवरी वन, स्टे ट्यून्ड. सो गाइज हम लोग आज अभी पहुंच आए हैं एयरपोर्ट पे. मैं तो बड़ा डरा हुआ सच में बहुत ना डरा हुआ, नर्वस हूँ, पता नहीं किस चीज़ के लिए, लेकिन मैं नर्वस हूँ, पता नहीं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ. रेडियो में रख लीजिए, अब चलते हैं हम अंदर, तो मिलते हैं जाके अंदर. थोड़ा नर्वस हूँ, मास्क वगैरह मैंने को नहीं अच्छा लिया, अंदर जाके चेक करता हूँ, लेकिन मैं कसम से सच बता रहा हूँ अलग लेवल की फीलिंग आ रही है. वो भाई आगे जा रहे हैं और मैं साथ में, ठीक है. कितने नंबर है अभी हम लोग देखने लगे हैं. ये सामने अभी इतना रश नहीं है, मतलब पूरा ये, लेकिन यहाँ पे हम अपनी फ्लाइट चेक करेंगे. गाइस सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया, पता नहीं अब क्या करते हैं. हाँ जी 720 to 729. ये मेनू समझ तो बाहर है. कुत्ते भी जा सकते ने, कुत्ते ए गलत गल है फिर. भाई साहब को पता खुद नहीं चल रहा, तो हम लोगों ने वापसी का रुख कर लिया. तो कहीं पहुंच के हम लोग आप लोगों को मैं दिखाता हूं किधर पहुंचे, ठीक है. फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं वेटिंग रूम में. मास्क ला नहीं सकते यार, अब जहाज का वेट कर रहे हैं, जैसे ही जहाज आएगा हम लोग जा सकते हैं. यार क्या है, तो गाइस पाकिस्तान किसी को बताया नहीं, खैर मोटी मोटी खबर है, देखते हैं अब जाके सरप्राइज देना है घर वालों को भी. जिस दिन मैंने पबजी वालों की स्ट्रीम की थी ना, उसी दिन मैं निकल आया था. ये भी आपको बता दूं कि मैं किस दिन आया हूँ, क्योंकि व्लॉग तो आएगा लेट. मैं आया उस दिन था जिस दिन पबजी की लाइव स्ट्रीम मैंने जल्दी बंद कर दी थी. जिसने पबजी की लाइव स्ट्रीम देखी थी उसको पता होगा, हम उसी दिन ही निकले थे, एक घंटा पहले बंद करके तैयारी करके हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे आ गए थे. मतलब 18 को मैं आया हूँ, बाकी अब जहाज में जाके देखेंगे, अगर ऑप्शन मिला तो वहाँ पे जाके बनाएंगे. भाई सब कुछ कहना चाहेंगे आप?
वो अपने काम च बिजी हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जाके। अभी खाना शाना खाया, एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं। अभी भी रहता है तकरीबन एक घंटा, जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे भाई के साथ एक लगी है पार्टी की बात। पार्टी ये होगी कि भाई ने बोला अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया कहीं पे भी पाकिस्तान पहुँचने तक, पाकिस्तान पहुँच के भी, तो मेरी तरफ से बिग पार्टी दी जाएगी। मैंने बोला मस्करी मास्क पहना होगा, तो वो कहते हैं नहीं, जैसे भी। तो अब कोई ना कोई दुबई एयरपोर्ट पे मिलेगा हमें, क्योंकि वहाँ पे 8 घंटे स्टे है। आगे पाकिस्तान से वहाँ पे सारी वाम पाकिस्तानी होगी। एक बंदा भी मिल जाए ना, यकीन मानो हैवी पार्टी होगी। उसका व्लॉग भी डालूंगा मैं लाजमी, वो सेकंड पे आएगा एफएम रेडियो व्लॉग्स। तो दुआ करो कोई बंदा मिल जाए, मिलने वाला फैन, फिर अगली बात इनसे हम जरा करें। हंस रहे हैं हल्के हल्के, हंसना है, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। बाकी मिलते हैं आगे जाके। गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ट्रेन में बैठने लगे हैं अपने जहाज की तरफ रवाना दवा होते हुए। चेकआउट कर सकते हैं आप लोग, कैमरा निकाल नहीं सकता ज़्यादा देर, समझ रहे हो। जहाज के पास पहुँचा है, देख रही हूँ खंग, देख रही हूँ अभी एंट्री मार रही हूँ अंदर एमरेट्स एयरलाइन। तो पता भी क्या है, हम लोग जहाज में बैठ चुके हैं। सो अभी पहुँचे। भाई ने टिकट तो गलत ही लिया, देख रहे हो बाहर टिकट तो नहीं सही ली, पर नहीं सीट, मतलब सीट नहीं सही, पर फिर भी सुबह 7:30 बजे दुबई होना सी, समझ रहे हो। समझ आ रही है कुछ यार, मुझे भी समझ आ रहा है। मैं YouTube खोलना अपना, क्यों इधर के मतलब साडा चैनल क्यों लिमिटेड, ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਬਜੀ ਖੇਡੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਵਹੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। A few minutes later guys ਅਭੀ ਹਮ ਉਡਨੇ ਕੀ ਕਗਾਰ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਕੀ ਫਲਾਈਟ 10 ਬਜ ਚੁਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰੇਗਾ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਕੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਹਮ ਹੋਗੇ ਅਸਮਾਨ ਕੀ ਉਚਾਈਆਂ ਪੇ। आज हम रियल में आसमान की ऊंचाइयों पे जाएंगे, पहले तो सिर्फ बातें होती थी, आज रियल जाएंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ जरा उठने का। अगर आप लोगों ने जहाज की फ्रंट देखनी है तो ये है, ये अभी रनवे पे उठ गए। ओके वो डर गए मैं, वही तो मैं भी तक कर रहा। ओके उड़ चुका है सामान की ऊंचाइयों पे। यार तो है। क्या? तो है। डर लगता है मैं। ओके पब्लिक थोड़ा मैं रेस्ट कर लूं, डर लग रहा है मुझे, बाद में करता हूँ। जहाज में हमें दे दिया गया है ज़कात के तौर पे खाना, ये खाना दिया है मैंने कभी देखा भी नहीं, पता नहीं क्या क्या दे दिया इन्होंने, बट टाइम मैंने पहली दफा करने लगा। ये क्या है भाई, क्या की ये चिकन, अच्छा चिकन लग पीस। सो गाइस ये चीज़ें, ये पानी है देख लो, पानी पानी सीरी, अच्छा। सो चम्मच शम्मच ठीक है। सो गाइस मिलते हैं खाने के बाद, ठीक है, सी यू लेटर। पूरे जहाज में हर बंदा सोया हुआ है, सिर्फ मैं एक अकेला जागा हूँ। मुझे खुशी से ना नींद ही नहीं आ रही, मतलब मैं इतना घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। देख सकते हो बाहर वेदर, चेकआउट कर लो, हर बंदा सोया हुआ है लेकिन रेडियो के लिए जाग रहा है। बस घूम रही हैं वो लड़कियां, को जूस वूस दे रही हैं, मैं देती रहो और तो कुछ मिलना नहीं। बाहर देख रहे हो बादल। तो अभी हमें दुबई पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं, और उसके बाद दुबई लैंड करना है। दुबई में हमारी 8 घंटे की रेस्ट है, उसके बाद फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह। दुबई की ऊंचाइयों में नीचे शिप देखो, देख रहे हो। वे तो पानी च ही रुक गया, रुक भी जाता उधर, यकीन मानो डर लग रहा है। लगता लगा सटन कलमा पढ़ लो, जिंदगी मौत रब दे कोल है, वैसे पढ़ लेना चाहिए, कोई पता नहीं किसी टाइम भी आ सकती।
क्या हुए? वो समुंदर था, मैं सीधा जा रहा है, टेढ़ा था जजीरा। बड़े भाई हैं, इनसे आपकी मुलाकात नहीं करवाई उस वक्त, जल्दबाजी में पता नहीं चला। अभी ये उधर तो बस खाने का पता ही आपको, तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। दुबई में इकट्ठे हो गए हैं, इंशाल्लाह यहाँ से अब जाएंगे आगे, तो अभी हम लोग खाना खा लें। बताना था आपको, भाई से मुलाकात होगी, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से जाके आगे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जा रहे हैं FM रेडियो गेमिंग को रिसीव करने, भाई अरशद को रिसीव करने, राशि सज्जाद उस्ताद मोहतरम को रिसीव करने। तो आज वो लोग आ रहे हैं स्पेन से, तो मेरे साथ है शहजाद साहब और उसके बाद है मामू आरफ साहब। तो शहजाद साहब क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी फीलिंग्स है आपकी? सर मेरी फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत आज, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद तो उनको रिसीव करने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम रुके हैं फिलहालपुर जगह के मकान पर, तो ये सूप पीने लगे हैं, आए आप भी पीने, मज़े का है। चले ठीक है, फिर हमारा सूप आ चुका है और हम सूप पी के तो फिर उसके बाद रिसीव करने जाएंगे सियालकोट एयरपोर्ट, पहुँच के हम आपसे रब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सियालकोट एयरपोर्ट, तो मैं पूछना चाहूँगा शहजाद साहब कैसी फीलिंग है आपकी? ज़बरदस्त। साजिद साहब ये कहूँगा कि आप साजिद साहब से पूछें कि उनके भाई आ रहे हैं, FM आ रहा है, FM के भाई, क्या फीलिंग है साजिद साहब, क्या फीलिंग है आपकी? जी बहुत खुशी हुई एयरपोर्ट आके भाई को लेने के लिए। और ये हमारे मामू हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा जी, बहुत मजा आ रहा है। और ये हमारे मामू रियाज हैं, आप इनसे मामू जान कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो एक घंटा हो गया इंतजार करते करते, पर कोई नजर नहीं आ रहा। शहजाद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ठंड है भाई जान, इंतजार भी करना मुश्किल होती जा रही है। अच्छा, मगर चस भी इसकी अपनी है। भाई अरशद आते हुए इन्होंने हमें देख लिया है। अस्सलाम वालेकुम। ये FM रेडियो गेमिंग, राशि सज्जाद, ये हमारे FM साहब आए हैं अभी, तो ये अभी मुलाकात हो रही है, हमें कोई ऐसे अभी नजर आया जिनको सरप्राइज तो सर नहीं है सर, उससे दुकानदार एक बंदा आया, आता है यार के FM सुनिया तो सुनो, कोई रिश्तेदार है ऐसा लगता कदम ऐसा होता आता ना करो भाई जी, तो वेलकम पाकिस्तान, वो आता जी नहीं नहीं भाई जी ए बूट देख रहे हो, उसने क्या आप बूट आता माजे की तस्वीर ना सी आता भाजी ए बूट देख रहे हो ऐस दो सेम से होने माजे का घर गोरा पहली ने माजे के घर इतना कमरा बाद ने राशन उसका बड़ा भरा है उर्दू में बात करिए। मुझे ये बताओ कैमरे का रिजल्ट ठीक है? नहीं नहीं ठीक है यार, तकरीबन से ये गुजारा कर जाएगा। अगर फेल हुआ पब्लिक को बताना रिजल्ट ठीक है नहीं तो फिर आप ले लीजिए, पीटीए ब्लॉग है तो भाई बस थोड़ा नर्वस हूँ। अच्छा से बात आए हूँ वापस 12 साल बाद इंशाल्लाह क्या होता है सरप्राइज देना है। वो गरीब की कटो भाई